डोडा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर क्लाउड ब्रस्ट होने के बाद में दो लोग फंस गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर उन्हें निकाल लिया, लेकिन सुबह सवेरे से ही डोडा के ऊपर जो है वो खतरे की घंटी लटक रही थी। आपको बता दें कि पुल डोडा का जो जल स्तर है वो बढ़ चुका था, और आपने देखा कि किस तरह से पुल डोडा के ब्रिज के साथ जो है वो पानी टच हो रहा था। लेकिन इसी बीच वहां पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ, और आपको बता दें कि डोडा का जो रोड स्ट्रेच था आधे से ज्यादा बह गया, उसमें दो व्यक्ति फंस गए। सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि ये ड्राइवर है, और आपको बता दें कि पुलिस ने इन्हें रेस्क्यू कर इनकी जान बचा ली है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है डोडा की, वो कब से कह रही है कि खतरा अभी टला नहीं, खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए लोगों से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि चाहे वो डोडा हो चाहे बदरवा, वहाँ के लोग जो हैं वो अपने अपने घरों पर रहे। अगर किसी का घर कच्चा है, जिसे लगता है कि मेरा घर गिर सकता है, वो अपने घर से बाहर आ जाए। भूकंप की चपेट में भी जब ये घर आए थे तो इन घरों में दरारें आपको देखने को मिली थी, और दरारों के साथ साथ जिस तरह से बातें करें, लोगों पर ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो बेघर हो चुके थे। लेकिन अब एक बार फिर ये नौबत जो है वो पहुंच गई है, और यहाँ पर आपको बता दें कि बादल फटने के साथ यहाँ पर जो हैवी रेनफॉल डोडा में देखने को मिला है, और फ्लड जैसी सिचुएशन कोठा नाला में पैदा हुई है। अभी तक किसी भी जान या माल के नुकसान की खबरें यहाँ तक नहीं आई है। मैन और मशीनरी को डिप्लॉय कर दिया गया है। मैन और मशीनरी का ये मतलब है कि लोग भी वहाँ पर बचाव कार्य के लिए हैं, SDRF की टीम्स हैं, मशीनरी को भी वहाँ पर तैनात कर दिया गया है, और रोड का स्ट्रेच जो है वो बह चुका है। लोगों को कहा जा रहा है कि उस रोड को आप छोड़ कर जो है वो दूसरे रोड पर चल पड़े। और साथ साथ आपको बता दें कि SDM ठाठरी जो है वो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि किश्तवाड़ का जो स्ट्रेच है वो बंद हो चुका है बादल फटने की वजह से। शिवा पुल और ठाठरी जो पेट्रोल पंप था उसे रिस्टोर जो है वो किया जाएगा, और टू वे ट्रैफिक तब वहाँ से हो पाएगा। और आपको ये भी बता दें कि डोडा और किश्तवाड़ का आज तीसरा दिन है कि जबकि ये एरिया प्रभावित है। वहीं आपको ये बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार लोगों से कह रही है कि पानियों से, नदियों से, नालों से दूर रहे। नाले कब भरकर उफान पर आ जाएं कुछ पता नहीं, लेकिन डोडा में अभी तक किसी भी जान या माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में भारी नुकसान होने की ऐसी आशंका भी हो सकती है अगर लोग नहीं सुधरेंगे। वहीं आपको बता दें कि इन्फॉर्मेशन पुलिस को रिसीव हुई थी SHO ठाठरी अमित कटोच को कि वहां पर जो है दो व्यक्ति फंस गए हैं, उन्हें सेफली निकाला गया है कोटा नाला से। और आपको बता दें PSP बदरवा भी यही कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो सुन लें। डोडा में से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो रूह को कंपा रही हैं, यानी उन्हें देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। ये लगातार आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, इसे देखकर किसी भी अच्छे वाले व्यक्ति की रूह कांप जाए, तो आपके पैर भी कंपाने चाहिए ऐसे मौसम में बाहर जाने के लिए। और ये मौसम आपको ये चेतावनी दे रहा है कि अपने अपने घर पर बने रहें, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ बने रहें, रिश्तेदार एक जगह पर रहें, पानी वाली जगह पर सेल्फी लेने ना जाएं, क्योंकि कल आपने देखा कि सियाड़ बाबा में एक महिला सेल्फी लेने गई थी जो सही सलामत वापस नहीं आई, लेकिन वो वहाँ पर अभी GMC हॉस्पिटल में लाया गया उपचार के लिए। सेल्फी के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में ना डाले। ये बरसात का मौसम जो है वो किसी का सगा नहीं है, कब किसकी जान ले ले किसी को कुछ पता नहीं। डोडा से हैरान करने वाली तस्वीरें, फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वहाँ पर आ चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि लोग बहुत डरे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि पैनिक ना बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए काम कर रही है। लेकिन जहाँ पर ये दो शख्स फंसे थे वो एक फॉरेस्ट एरिया था, तो वहाँ पर शीघ्र ही मदद पहुँची। अब लोग ये ना कहें कि ये फॉरेस्ट एरिया है और उन्हें नहीं पता था। आपको भी जानते हैं कि जंगलों में ड्राइवर चल रहे हैं, उन्हें नहीं पता कब क्या सिचुएशन आ जाए। लेकिन मेन सिटी में डोडा की जो है कंट्रोल कर ली गई है सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप लोग जो है सतर्क रहें, सतर्कता से काम लें। डोडा से डराने वाली तस्वीरें, अगर आप लोग वाकई में डर रहे हैं तो घरों से बाहर ना निकलें।